18 साल बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे गई थी और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम उम्मीद कर रही थी कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 ओडीआई और फिर 5 मैचों की T20 सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम जब मैच खेलने के लिए स्टेडियम में रवाना हो रही थी तो लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हुआ था अटैक, जिसके बाद कई सालों तक किसी भी टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। हाल फिलहाल में टीमों ने पाकिस्तान जाना शुरू किया था, लेकिन अब आज जो एक खबर सामने आई है उसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान जाना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और उसका रीज़न है वो ये कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 3 ODI और 5 T20 की सीरीज़ को अबेंडन कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, यानी कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कर लिया तौबा, और जिसकी सबसे बड़ा रीज़न है सिक्योरिटी, सुरक्षा। कुछ देर पहले इस जो ODI होना था, पहला ODI मुकाबला जो रावलपिंडी में होना था, उससे कुछ देर पहले न्यूजीलैंड जो सरकार है उनको एक सिक्योरिटी अलर्ट मिला कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जो सुरक्षा है पाकिस्तान में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, टीम के ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट है। जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि ब्लैक कैप्स, यानी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को ब्लैक कैप्स कहा जाता है, ब्लैक कैप इस टूर को अबेंडन कर रहे हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जल्द पाकिस्तान से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को, खिलाड़ियों को, स्टाफ मेंबर्स को पाकिस्तान से रवाना करवाया जाए और सुरक्षित तरीके से उन्हें UAE पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो IPL में खेलने वाले हैं। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की आवाम को तो झटका लगा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। वैसे भी पिछले 12-13 सालों से जितनी भी टीम थी उन्होंने पाकिस्तान आना बंद कर दिया था। पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान को नई लाइफलाइन मिली थी जब से उनकी पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ था। टीमें जा रही थी वहाँ खेलने के लिए, विदेशी खिलाड़ी भी लगातार आ रहे थे खेलने के लिए, और पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे। कई बार शाहिद अफरीदी सामने आते हैं, शोएब अख्तर सामने आते हैं, जो इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, वो सामने आकर कहते हैं कि पाकिस्तान आप आइए, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना या कोई भी स्पोर्ट खेलना बहुत ही सुरक्षित है। लेकिन आज ये जो खबर आई है, जो न्यूजीलैंड ने अपना जो दौरा है रद्द किया है, उसके बाद आपको, मुझे, जितने भी करोड़ों क्रिकेट प्रेमी हैं, जितनी भी जनता है, उनको ये समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान में जाकर खेलना बहुत ज़्यादा रिस्की है। न्यूजीलैंड ने ये फैसला कर लिया है। 2009 में श्रीलंका टीम पे जब पाकिस्तान में अटैक हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने UAE, दुबई, आबू धाबी और शारजा को अपना नया होम ग्राउंड बनाया, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाती थी उसको अपना घर समझती थी और विदेशी टीमें वहाँ पर आकर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले खेलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर मैं बात करूँ, जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान के दौरे पर गई और काफ़ी सारी टीमों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपको विदेशी खिलाड़ी नज़र आ रहे थे जो पाकिस्तान में ही हो रही थी। लेकिन इस खबर के आने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो अपना दौरा रद्द किया है, उसके बाद अब आप ये मान लीजिए आगे आने वाले कई सालों तक दोबारा पाकिस्तान में कोई भी विदेशी ना तो टीम जाएगी और ना ही कोई विदेशी खिलाड़ी जाएगा। और अगर आप भी पाकिस्तान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में एक बार ज़रूर देख लीजिए कि किस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जो एक पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में थी, जब उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है तो किसी के ऊपर भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है। तो एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और सबसे बड़ा बुरा झटका है पाकिस्तान में फैंस के लिए, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो खेल से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। दूसरी जानकारियों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।